अगर आपके पास जो वोटर आईडी कार्ड है, चाहे वो आपका वोटर आईडी कार्ड हो या फिर दोस्तों आपके फैमिली मेंबर में से किसी का वोटर आईडी कार्ड हो जिसमें कि दोस्तों कुछ गलतियां हैं, जैसे कि आपका जो वहां पे नाम है वोटर आईडी कार्ड पे वो गलत है या फिर एड्रेस गलत है या फिर फोटो वगैरह गलत है, इसी तरह के दोस्तों उसमें कुछ गलतियां हैं जो कि दोस्तों आप अपडेट करना चाहते हो, जो कि दोस्तों आप सुधारवाना चाहते हो, तो बिल्कुल ही आप राइट प्लेस पे आए हो। बिकॉज आज इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से दोस्तों आप ऑनलाइन ही घर बैठे दोस्तों आप अपने आधार कार्ड सॉरी आप अपने वोटर आईडी कार्ड में जो भी चीजें हैं जो भी गलतियां हैं दोस्तों उसे किस तरह से सुधार सकते हो। तो दोस्तों अब ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करता हूं, सीधा ले चलता हूं मैं अपने फोन के स्क्रीन पे एंड आपको दिखाता हूं दोस्तों किस तरह से आप ऑनलाइन घर बैठे ये सारा चीज को सुधार सकते हो, ये सारी चीज को दोस्तों आप अपडेट कर सकते हो। तो अब चले करते हैं वीडियो को फटाक से स्टार्ट। दोस्तों अगर आप अपने वोटर आईडी कार्ड पे कुछ भी चीज़ चेंज या फिर अपडेट कराना चाहते हो तो सबसे पहले आपको इस पोर्टल पे आना पड़ेगा जिसका कि नाम है दोस्तों नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल। एंड ऑलरेडी से दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इस पोर्टल का लिंक दे दिया है, तो सिंपली से जैसे उस लिंक पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने सेम कुछ इसी तरह का पोर्टल खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले करना क्या है, कुछ भी चीज़ अगर आप अपने वोटर आईडी कार्ड में अपडेट या फिर चेंज करना चाहते हो तो उसके लिए सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर लॉग इन एंड रजिस्टर का बटन दिख रहा है, तो सिंपली से आपको इस पर क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे यूज़र नेम एंटर करना है, जो भी दोस्तों आपका ईमेल आईडी या फिर आपके पास दोस्तों पासवर्ड है। अगर दोस्तों आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे आ रहे हो, अगर आपका यहाँ पे अकाउंट नहीं है तो सिंपली से नीचे आपको डोंट हैव अकाउंट पे यहाँ पे क्लिक करना होगा। एंड क्लिक करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे आपको एक मोबाइल नंबर एंटर करना होगा एंड उसके बाद दोस्तों जो भी कैप्चा है वो भरना है, उसका सिंपली से दोस्तों आपको यहाँ पे सेंड ओटीपी कर देना है। उसके बाद ओटीपी को एंटर करने के बाद सिंपली से यहाँ पे आपको वेरीफाई ओटीपी क्लिक करना है। एंड जैसे दोस्तों आप वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दोस्तों खुल के आ जाएगी। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, सबसे पहले जो एक ऑप्शन है आई हैव ईपीआईसीआई नंबर, तो सिंपली से आपको इस पर सेलेक्ट कर देना है। तो मैं बता देता हूँ दोस्तों ईपीआईसी नंबर मतलब होता है क्या, दोस्तों ईपीआईसी नंबर मतलब आपका जो भी वोटर आईडी कार्ड पिन नंबर है ऊपर में जो दोस्तों आपका वोटर आईडी कार्ड पिन नंबर है सिंपली से उसी का मतलब ईपीआईसी नंबर होता है। सिंपली से दोस्तों इसे आपको सेलेक्ट करना है एंड उसके बाद दोस्तों जो भी ईपीसीआई नंबर है जो भी आपका वोटर आईडी कार्ड पिन नंबर है सिंपली से वो एंटर करना है। एंड सिंपली से यहाँ पे आपको एक ईमेल आईडी को सेलेक्ट करना है, उसके बाद दोस्तों एक न्यू पासवर्ड आपको नीचे दोस्तों बॉक्स में यहाँ पे क्रिएट कर लेना है। उसके बाद सिंपली दोस्तों यहाँ पे रजिस्टर का जो बटन देखने को मिला इस पर आपको क्लिक करना है एंड इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे यू हैव रजिस्टर्ड सक्सेसफुल इस तरह का आपके सामने आ जाएगा। तो सिंपली दोस्तों जो भी आपने यहाँ पे यूजर नेम वगैरह सेलेक्ट किया था, ईमेल आईडी दिया था, फोन नंबर वो एंटर करना एंड जो भी पासवर्ड आपने बनाया था सिंपली से वो एंटर करके एंड कैप्चा भर के सिंपली दोस्तों यहाँ पे लॉगिन पे आप क्लिक कर देना। लॉगिन पे आप जैसे ही क्लिक करोगे दोस्तों कुछ इस तरह का आपके सामने इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना दोस्तों, यहाँ पे आपको थर्ड नंबर में ही बॉक्स देखने को मिला दोस्तों करेक्शन इन पर्सनल डिटेल, तो सिंपली दोस्तों इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों कुछ इस तरह का आपके सामने इंटरफेस खुल के आ जाए जहाँ की दोस्तों सबसे पहले आपको भाषा चयन करने को बोलता है, जिस भी लैंग्वेज में आप इस फॉर्म को इस करेक्शन फॉर्म को भरना चाहते हो तो सिंपली से यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे इंग्लिश को सेलेक्ट करता हूँ। एंड उसके बाद दोस्तों सिंपली से आपको स्क्रॉल करके नीचे जाना है एंड स्क्रॉल करके जब नीचे आ जाओगे दोस्तों यहाँ पे बोला जाएगा पिक टिक द इंटर व्हिच टू बी करेक्टेड, तो मतलब इस फॉर्म में आप जो तो वोटर आईडी कार्ड है आप में उसमें क्या गलती है जिसे आप सुधरवाना चाहते हो। तो सिंपली से मान लो मेरा नाम गलत तो मैं यहाँ पे नाम को सेलेक्ट कर लूंगा, अगर मेरा एड्रेस भी गलत है तो उसे भी मैं सेलेक्ट कर लूंगा। तो अपने अकॉर्डिंग दोस्तों आपका जो भी गलत है तो सिंपली से आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है एंड सेलेक्ट करने के बाद सिंपली दोस्तों आपको स्क्रॉल करके नीचे जाना होगा। एंड जैसे दोस्तों आप नीचे आते हो तो यहाँ पे आपको बॉक्स देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आपका जो भी करेक्ट नाम है वो दोस्तों आप एंटर कर देना। एंड नीचे में दोस्तों अगर ऑटो में अगर आप इंग्लिश में ऊपर लिखते हो अगर नीचे में ऑटोमेटिकली से वो हिंदी हो गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो अपने कीबोर्ड की मदद से एक बार नीचे में आप हिंदी में भी अपना नाम लिख देना एंड सेम दोस्तों सरनेम में भी आपका जो भी सरनेम है प्लस हिंदी में नीचे लिख देना है। एंड जो भी दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है एड्रेस डिटेल्स वगैरह जो भी आपको पूछा जा रहा है वो सारा चीज़ दोस्तों सिंपली से आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। एंड एंटर करने का नीचे दोस्तों एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा अपलोड फाइल, तो यहाँ पे दोस्तों मैं बता देता हूँ जो भी नाम अगर आप अपने चेंज कराते हो तो यहाँ पे एज ए प्रूफ आपको कुछ देना पड़ेगा, कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा जो कि दोस्तों आप एज ए प्रूफ देना चाहते हो कि आप दिखाना चाहते हो कि मेरा जो सही नाम है, चाहे आपका किसी भी चीज़ पे किसी भी डॉक्यूमेंटेशन पे जो भी सही नाम है तो एज ए प्रूफ आपको एक डॉक्यूमेंटेशन देना है कि प्रूफ आपको देना है कि हाँ मेरा जो नाम है वो सही ये है और गलत वोटर आईडी कार्ड पे है, तो इसलिए दोस्तों एज ए प्रूफ आपको यहाँ पे कोई एक डॉक्यूमेंटेशन अपलोड कर देना है।
अपलोड कर देने के बाद सिंपली दोस्तों यहाँ पे आपको स्क्रॉल करके नीचे जाना है। एंड जैसे दोस्तों आप नीचे आते हो तो यहाँ पे आपको दोस्तों एक बार ऊपर में आपका ईमेल आईडी देना है, आपका नंबर देना है। एंड नंबर देने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सिंपली से प्लेस, जो भी जगह है आप जहाँ पे करंट अभी रह रहे हो, आपका जो भी एड्रेस है दोस्तों वहाँ पे वो एंटर कर देना है। एंड जो भी आपका यहाँ पे कैप्चा देखने को मिला सिंपली से वो एंटर करना है। एंड सिंपली दोस्तों आपको सबमिट पे क्लिक करना है। एंड सबमिट पे जैसे ही दोस्तों आप क्लिक करोगे तो आपका ये कन्फर्म हो जाएगा। एंड दोस्तों आपका काम खत्म हो चुका है। एंड कुछ दिन बाद दोस्तों वो वोटर आई डी कार्ड जो है आपका अपडेट हो जाएगा एंड सही नाम के साथ आपके नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में आ जाएगा। एंड वहाँ से दोस्तों आप कलेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों कुछ इसी तरह से आप वोटर आई डी कार्ड पर दोस्तों करेक्शन करा सकते हो, वोटर आई डी कार्ड पे जो भी डिटेल्स गलत है उसे दोस्तों सुधार सकते हो। दोस्तों तो आई होप आज के इस वीडियो के मदद से आप लोगों ने सीख लिया है कि किस तरह से आप घर बैठे ही आपके वोटर आईडी कार्ड में जो भी करेक्शन है, जो भी दोस्तों गलतियां हैं, उसे किस तरह से आप सुधार सकते हो एंड उसे किस तरह से दोस्तों आप एडिट कर सकते हो। एंड साथ ही साथ दोस्तों अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, अगर इस वीडियो ने आपको मदद किया होगा तो प्लीज दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक कर देना। एंड साथ ही साथ दोस्तों इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज दोस्तों इस चैनल पे आपको इसी तरह के यूजफुल एंड हेल्पफुल कंटेंट मिलती रहती है एंड आगे भी दोस्तों फ्यूचर में आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद। मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम।